पर अब बात करते हैं आईटीवी फाउंडेशन के एक मुहिम, एक लक्ष्य की। इंसेफ्लाइटिस को लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जापानी बुखार कहते हैं और ये एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो कि वायरल संक्रमण के कारण होता है। ये खास किस्म के वायरस के कारण लोगों के बीच फैलता है। ये वायरल मच्छर या फिर सुअर के द्वारा भी फैलता है। ज्यादा गंदगी वाले जगह पर भी ये वायरस पनपता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस बीमारी के क्या हैं लक्षण और क्या हैं इससे बचने के उपाय। कुछ साल पहले तक मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटने वाले दिमागी बुखार के मामलों में अब काफी कमी देखने को मिल रही है। पहले दिमागी बुखार से हर साल सैकड़ों बच्चे शिकार होते थे, लेकिन पिछले दो सालों में जापानी बुखार के मामलों में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अब इस खतरनाक बीमारी से खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस को लेकर सरकार काफी गंभीर है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है जापानी इंसेफ्लाइटिस के लक्षण। बुखार, सिरदर्द, गर्दन में जकड़न, कमजोरी और उल्टी आना, समय के साथ सिरदर्द बढ़ते जाना, हमेशा सुस्ती छाई रहना, भूख कम लगना, तेज बुखार, बच्चे का अति संवेदनशील होना, भ्रम का शिकार होना, दौरे आना, लकवा मारना और स्थिति कोमा तक पहुंच सकती है। छोटे बच्चों में ज्यादा देर तक रोना। दिमागी बुखार का लक्षण में बुखार, सर दर्द, उल्टी, अकड़न, झटके, पेट दर्द, लड़खड़ाना, मानसिक परिवर्तन जैसे बच्चा अकबक कर रहा है या उठ उठ कर भागता है, शरीर को नोचता है, आंखों को उलट देता है। अपने बच्चों को मानसिक ज्वर से बचाने के लिए सबसे पहले बचपन से ही उसके कुपोषण को दूर रखना है, पानी उबाल कर पिलाना है, सड़े गले हुए हरी सब्जियों को, फलों को यूज नहीं करना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना है, जितने भी आस पास के गड्ढे हैं उनमें जला हुआ डीजल या मोबिल डाल करके बराबर उसको मच्छर से मुक्त रखना है। और जो भी खुले बर्तन जैसे छत पे कोई टीन या नारियल की खोपड़ी वगैरह रखी गई है उसमें अगर कोई जल जमा होता है तो उसको तुरंत परिवर्तन करें। और सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। ये वायरस छुआछूत से नहीं फैलता है, 1 से 14 साल की उम्र के बच्चों में फैलता है, 65 साल के ऊपर के लोगों को चपेट में लेता है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में ज्यादा फैलता है। जापानी इंसेफेलाइट से बचाव के लिए सबसे अहम साफ सफाई है। बारिश के मौसम में ये बुखार तेजी से फैलता है, ऐसे में अगर हम जरूरी उपाय करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। समय से टीकाकरण करवाएं, साफ सफाई से रहें, गंदे पानी के संपर्क में आने से बचें, मच्छरों से बचाव करने के उपाय करें, घरों के आसपास पानी न जमा होने दें, बारिश के मौसम में बच्चों को बेहतर खान पान दें। पिछले 4 दशकों से जापानी बुखार बेहद खतरनाक बीमारी के रूप में उभरा था, लेकिन सरकार की कोशिशों से अब इस पर नियंत्रण पाया गया है। जापानी बुखार के खिलाफ लड़ाई की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।